चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। दीपिका कुमारी आज भारतीय तीरंदाजों का प्रतिनिधित्व करते हुए आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने का काम कर रही है। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ने साल 2010 में ही कई अन्य बड़ी तीरंदाजी स्पर्धाओं में अनगिनत पदक जीते हैं। उनके इन्हीं शानदार प्रदर्शन के चलते उनकी प्रतिभा को अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। टोक्यो 2020 उनका तीसरा ओलंपिक होगा जहां भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी अपने पहले ओलंपिक पदक को सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ उतरेंगी। दीपिका कुमारी का जन्म 13 जून 1994 को रांची में हुआ था। निशाना लगाने का खेल उन्हें बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित करने लगा क्योंकि उन्हें पेड़ों पर लटके आमों से पत्थर से मारकर गिराने में बड़ा मजा आता था। साधारण परिवार से होने की वजह से शुरुआत में वो बांस के डंडों से धनुष और तीर बनाकर निशाना लगाती थी। बाद में टाटा तीरंदाजी अकेडमी में ट्रेनिंग ली उन्होंने और अपनी चचेरी बहन विद्या कुमारी की मदद से उन्हें सही राह मिली। अकादमी में उनकी प्रतिभा को निखारने के बाद उन्हें 2009 में कैडेट विश्व चैंपियनशिप जीती थी। उसी वर्ष उन्होंने अमेरिका के ओगॉर्डन में 11वीं युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप भी जीती थी। बड़ी सफलता उन्हें 2010 में मिली। ये वर्ष उनके करियर के लिए काफी अहम साबित हुआ और इसके साथ उनकी जिंदगी जो है वो बदल गई तीरंदाजी की वजह से। उन्होंने व्यक्तिगत रिकर्व और महिलाओं की रिकर्व टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उसके बाद 2 महीने नवंबर में उन्होंने ग्वांगजू में 2010 एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर अपने शानदार वर्ष को समाप्त किया। अपने और अपने एक अच्छे तीरंदाज के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित करके वो गॉर्डन में अपनी पहले तीरंदाजी विश्व कप खेलने गई जहां उन्होंने व्यक्तिगत टीम और मिश्रित टीम श्रेणियों में 3 रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। दीपिका कुमारी पहली बार लंदन 2012 के ओलंपिक खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया। हालांकि उनके प्रयास वाले दिन दीपिका के स्वास्थ्य और हवा की स्थिति ने उन्हें शुरुआती दौर में जगह बनाने से रोक दिया। वो ग्रेट ब्रिटेन की एमी ऑलिवर से हार गए। रियो 2016 की अगर हम बात करते हैं तो दीपिका कुमारी लगातार आगे बढ़ती गई। क्रमशः 6-4 और 6-2 के प्रभावशाली स्कोर के साथ वो 64 और 32 के दौर में उन्होंने अपनी आप जगह बना ली थी। 16 के राउंड की अगर हम बात करते हैं तो वहां चीनी ताइपे की तान या टिंग ने उनकी गति पर विराम लगा दिया और 6-0 से वो राउंड जो है अपने नाम कर लिया था। अब आपको बताया कि टोक्यो 2020 के संस्करण में दीपिका कुमारी जो है मतलब ठीक है मिक्स डबल्स में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई, वुमेन्स रिकर्व इवेंट में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन दीपिका कुमारी की अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखते हैं इस टोक्यो 2020 के संस्करण में तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल इवेंट से। 1/32 का जो राउंड उन्होंने खेला, 1/16 का राउंड जो उन्होंने खेला, तो पहले तो उन्होंने भूटान की कर्मा को हराया और उसके बाद उन्होंने हराया था अमेरिका की यंग गर्ल को हराया 6-4 से। और अब उनका जो मुकाबला है जिससे उनसे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है वो 1/8 का एलिमिनेशन राउंड है। वो खेलने वाली हैं के पेरोवा के साथ। के पेरोवा बेसिकली रशिया की हैं। रशिया आपको पता है कि बैन होने की वजह से अपने नाम से कम्पीट नहीं कर रहा, वो आरओसी के नाम से यानी रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से कम्पीट कर रहा है इस ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में। ये मुकाबला होगा आपको बता देते हैं 6 बजे सुबह और दीपिका कुमारी से उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी बिकॉज कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर किया है। थोड़ा सा जो वो 9 स्पॉट को हिट कर रही हैं, आई थिंक अगर वो 10 को कंसिस्टेंटली हिट करना शुरू कर दें और प्रेशर को ना लें, बड़े मैच के ओकेजन्स में बिल्कुल कूल काम और नर्वस ना हो, कूल काम और कंपोज्ड होकर के जाएं, तो डेफिनेटली दीपिका कुमारी मेडल की तरफ एक कदम और बढ़ा देंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दीपिका कुमारी के बारे में आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।